सो वेलकम बैक नाउ वी आर बिगनिंग विद एक्ट्स एंड पॉलिसीज एनवीरमेंट के अंदर एज यू नो ये इम्पॉर्टेंट रहता है और ये बहुत क्रिटिकल रहते हैं एक्ट्स एंड पॉलिसीज होता है इंस्टीट्यूशन मेजर्स कन्वेंशंस दीज टॉपिक्स ऐसे हैं कि इनको आपको रिपीटडली पढ़ना होता है तभी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है इनमें शहाद रहती है बट वेन वी आर स्टडी एनवीरोमेंट एंड वी आर टोकिंग अबाउट एनविरोमेंट तब ये नेसेसरी हमारे आ, हमारे लिए होता है कि हमें इन एक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए लाइक विल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एनवीरॉनमेंट बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट एक्ट प्लास्टिक वेस्ट कोस्टल रेगुलेशन जोन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हजार्डस वेस्ट ंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन रूल्स ई वेस्ट वेटलैंड इसके अलावा भी आप देखें वी हैव जो है हम दो अदर एक्ट से एक है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट नाइनटीन सेवेंटी फोर जब हम पोल्यूशन वाला टॉपिक कवर करेंगे देन वी विल स्टडी दिस एंड हमारे पास अनदर एक्ट रहता है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981. इसको भी हम जब पोल्यूशन का टॉपिक कवर करेंगे देन वी विल स्टडी देम देर और फिर अनदर uh, एक्ट है हमारे पास फॉरेस्ट uh, का दो नाट मच 1980 के अंदर हमें इसको स्टडी करना है जस्ट इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अकॉर्डिंग हमारा जो टारगेट है वो 33% परसेंट है इंडिया की फॉरेस्ट लैंड इंडिया का एरिया फॉरेस्ट के अंडर कवर करने का टारगेट है हमारा ठीक देन हमारे पास अनदर एक एक्ट है टू एनिमल्स दैट्स ऑफ आई थिंक ठीक है ये हमारे पास एक्ट हैं दो हम इन जो चार हैं इनके बारे में फिलहाल नॉट स्टडिंग जो पहले गहरा हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं यू विल स्टडी देम इन दिस वीडियो सो लेट स्पीकन विदाउट वेस्टिंग टाइम विल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आई वुड से दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट है ये वाला जब भी आप इन्विरामेंट पढ़ते हैं मेक श्योर sure के ये आपको पता होना चाहिए एंड इंडिया के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है आई थिंक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड बहुत से एग्जाम्स के अंदर इससे क्वेश्चन बनते हैं जब विल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है देन सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको पता होनी चाहिए कि इसके अंदर शेड्यूल से छह छः हैं वन से लेकर सिक्स तक ठीक है वन से लेकर सिक्स तक फिफ्थ जो इसके अंदर फिफ्थ शेड्यूल है इसके अंदर वेरमिन रखे हुए हैं वेरमिन और जो सिक्स शेड्यूल है इसकी ये बेंड है मतलब के कोई भी जो भी प्लांट्स इसके अंदर रखे गए हैं सिक्स शेड्यूल के अंदर प्लांट्स उनको आप कल्टीवेट नहीं कर सकते कल्टीवेट नहीं कर सकते आप उनको अगर आपके पास लेसेंस नहीं अगर उनको आपको कल्टीवेट करना है उन प्लांट्स को जिन प्लांट्स की लिस्ट सिक्स शेड्यूल के अंदर दी है अगर कोई उनको कल्टीवेट करना चाहे तो उसके लिए एक प्रॉपर लेसेंस की ज़रूरत होती है एल्स आप इन प्लांट्स को कल्टीवेट नहीं कर सकते सिक्स शेड्यूल के अंदर फिफ्थ शेड्यूल के अंदर जहाँ पे वर्मेंस है वर्मेंस का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जिनको लोग किल कर सकते हैं वर्मन्स वर्मन ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जिनको आप किल कर सकते हैं हमेशा जो वर्मेन है यह सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है ऑलवेज रिमेंबर स्टेट कभी भी वर्मन्स डिक्लेयर नहीं करती जो वर्मन एनिमल्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी हमेशा से ठीक है एंड दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी सिक्स शेड्यूल फिफ्थ शेड्यूल उसके बाद इसके जो है फर्स्ट एंड सेकेंड शेड्यूल अक्सर जितने भी इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं लाइक टाइगर लाइन पिक जनरली जिन एनिमल्स के बारे में आप जानते हैं जो न्यूज़ में रहते हैं जब भी कभी ऑप्शन हो कि जो किस शेड्यूल में होगा तो मोस्ट प्रेबेबली वो शेड्यूल फर्स्ट के अंडर होगा अंदर होता है ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स जो हैं वो आ, इसके अंदर होते हैं कभी भी ऑब्जेक्टिव आए तो आप शेड्यूल वन लगा सकते हैं ठीक है या शेड्यूल सेकेंड के अंदर हो सकते हैं यह तो हुआ शेड्यूल्स का विल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात जब भी आएगी यू शुड बी नोविंग के इसके सिक्स शेड्यूल्स हैं फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल का क्या काम है और जो, जो भी इंपॉर्टेंट एनिमल्स होते हैं जनरली वो शेड्यूल फर्स्ट के अंदर होते हैं जिनका जनरली आप न्यूज में ज्यादा सुनते रहते हैं नंबर फर्स्ट थिंग अबाउट दिस एक्ट नंबर सेकंड थिंग इस एक्ट के बारे में जो है कि इस एक्ट के अंदर पांच प्रोटेक्टेड एरियाज को डिक्लेयर किया है फाइव टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज नंबर फर्स्ट नेशनल पार्क वील्ड लाइफ सेंचुरीज कम्युनिटी रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व टाइगर रिजर्व अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस एक्ट पांच टाइप्स के प्रोटेक्टेड एरियाज है नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कम्युनिटी रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व दीज आर इंपॉर्टेंट ओके सो जब भी विल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात आएगी तो दीज टू थिंग्स ंग एट एनी कॉस्ट शेड्यूल एंड नंबर सेकेंड इसके अंदर कौन कौन से एरियाज डिफाइन हैं। नाव इसके अंदर बहुत से और भी इंपॉर्टेंट जो हैं पॉइंट्स हैं तो विल स्टडी देम एंड नाउ सीइंग देम वन बाय वन ये वाला एक्ट जो है नेशनल पार्क एंड विल्ड लाइफ सेंचुरीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने में और प्रोटेक्ट करने में हमें हेल्प करता है फर्स्ट सेकेंड इट प्रोटेक्ट्स विल्ड लाइफ फ्राम पोचिंग आल्सो ये वाला जो एक्ट है इसके अंदर एक्स सीटू कंजर्वेशन जो है जिस तरह जोलॉजिकल एंड बॉटनिकल गार्डन इसके रिगार्डिंग भी प्रोविजन के इनको डेवलप करने के रिगार्डिंग भी इसके अंदर बात की गई है एट द सेम टाइम इस एक्ट के अंदर एक्जोटिक स्पीशीज को भी डिफाइन किया गया है वोटिक मीन्स एक्जॉटिक मीन्स वो स्पीशीज जो किसी नेटिव प्लेस की ना हो Suppose ये एक area है, इस एरिया में इस एरिया से दूसरे एरिया से कुछ स्पीशीज अगर आके रह रहे हैं तो देन वी विल कॉल दि एक्सोटिक नहीं है दूसरे जगह के हैं ठीक है नेटिव जो यहां के रहने वाले होंगे उनको हम नेटिव कहेंगे तो ऑल्सो दिस एक्ट डिफाइनस एक्सॉटिक स्पीशीज जो स्पीशीज हमारे अपने ओरिजन के नहीं थे बाहर के थे तो दे आर ऑल्सो डिफाइंड है ठीक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट के इस एक्ट के अंदर एक एक्सपर्ट कमेटी कंस्टिट्यूट की जाती है कौन करता है इंडियन बोर्ड ऑफ विल्ड लाइफ इंडियन बोर्ड ऑफ विल्ड लाइफ कंस्टिट्यूट करता है एक कमेटी जो कमेटी जब भी कभी इस एक्ट के अंदर कोई भी अमेंडमेंट की जाएगी तो ये कमेटी कंसीडर करती है वेदर टू अमेंड दिस एक्ट आर नाट ठीक तो स्टेट्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड दिस के स्टेट कभी भी वर्मन डिक्लेयर नहीं करती जिस सेंटर का प्रोविजन होता है सेंटर हमेशा वर्मन डिक्लेयर करती है और वर्मन को शेड्यूल फाइव के अंदर रखा जाता है जनरली वर्मन तब डिक्लेयर करते हैं जब किसी स्पीशीज की जो और जो इंडिविजुअल्स हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं देन वी आर डिफाइनिंग इट ओके ओके लेट्स वन मिनट सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि नेशनल पार्क के जो हमारी नेशनल पार्क होती है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फाइव किलोमीटर का एरिया होता है उसके अंदर जितने भी दूसरे एनिमल्स रहते हैं उनके लिए इम्यूनाइजेशन जो है लाइफ स्टाक की वो करनी कंपलसरी है फाइव किलोमीटर के एरिया तक एरिया तक ठीक है तो पांच प्रोटेक्टेड एरियाज को ये डिफाइन करता है ठीक ये जो है यूटीज और स्टेट्स दोनों पे अप्लाई होता है ठीक अगर कोई ब्रीच करता है इस विल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को तो देन जो पेनल्टीज हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पुलिस विल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एंड सीबीआई जो है पेनल्टीज इंपोज कर सकती है वर्मिन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है बट मोर स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ एन्वेयरमेंट फॉरेस्ट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो वर्मेंस को डिक्लेयर करती है इस एक्ट के अंडर जहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल के अंदर कुछ एनिमल्स हैं जो रखे जहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पर जहाँ पे दिए हुए हैं प्रेजेंटली हमारे पास कॉमन क्रो है फ्रैट फ्रूट बैट्स हैं माइस है रैट्स हैं ये जो एनिमल्स हैं जिनको जो है किल किया जा सकता है जनरली वर्मन तब डिक्लेयर करते हैं जब ये ज़्यादा तादाद में बढ़ जाते हैं एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ठीक है तो सिक्स शेड्यूल्स के अंदर जहां हैं रखे हुए हैं ब्लू वेंडा कोट रेड वेंडा पिचर प्लांट लेडी स्लीपर ऑर्चि साइकेड ये वाले जो प्लांट्स हैं इनको आप कल्टीवेट नहीं कर सकते अगर आपको इनको कल्टीवेट करना है तो आपको इसके लिए स्पेशल लेसेंस की जरूरत है जो ये हमारा एक्ट है इसको अमेंड किया गया है 2002 के अंदर एंड तब डिफाइन की गई कम्युनिटी रिजर्व्स। तो कम्युनिटी रिजर्व्स को इस तरह से डिफाइन किया इसने, park, century, note, है इसने विच एक्ट्स एज बफर जोन टू आर कनेक्टर्स बिटवीन नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज ठीक फर्दर टू नोट के हाइस्ट नंबर ऑफ जो कम्युनिटी रिजर्व हैं वो मेघालय के अंदर है लेट्स मो है तो ये हमारा हो गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दूसरा हमारा जो है यह है इन्विरामेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये हमारा एक अम्ब्रेला एक्ट है जिसमें एनविरोमेंट को प्रोटेक्ट करने की एक होलिस्टिक मैनर में जो है बात की गई है ठीक है तो आ, इसके जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और एथोराइज पर्सन कोलेक्ट सैंपल्स एज एविडेंस ओके स्पेशल प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग वेस्ट हजार सबस्टेंसेस इसके अंदर जो है लोकस टंडी को और रिलैक्स किया गया है दैट मीन्स अगर कोई कम्युनिटी या कोई एरिया जो है वो डिग्रेड हो रहा है किसी एक्टिविटीज़ की वजह से तो नॉट नेसेसरी के वही लोग जो है कोर्ट में जाकर अपना केस जो है फाइल करें उनके बिहाफ पे कोई और भी कर सकता है ठीक है जो विक्टिम है ज़रूरी नहीं है कि वही जाए और कोर्ट में जो है केस करे कोई और भी जाकर जस्टिस के लिए जा सकता है तो लोकल जो है इसके अंदर रिलैक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट इशू डायरेक्शन फॉर रेगुलेशन और क्लोजर ऑफ एनी इंडस्ट्री स्टॉप सप्लाई ऑफ सर्विसज इलेक्ट्रिसिटी वाटर विदाउट कोर्ट ऑर्डर कोर्ट्स के आर्डर के बिना सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी डायरेक्शन जो है इशू कर सकती है किसी इंडस्ट्रीज को बंद करने के लिए जो ऑफिसर्स काम करते हैं इस एक्ट को इंप्लीमेंट करते हैं या इस एक्ट के किसी प्रोविजन के अंडर जो है काम कर रहे होते हैं तो उनको जो है इम्यूनिटी रहती है किससे कोर्ट से कोर्ट uh, से. से उनको इम्यूनिटी होती है ठीक फर्दर इट डिबार्स जो ऑफ सिविल कोर्ट फॉर ऑर्डर बाई सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर निकालता है तो जो है सिविल कोर्ट सिविल कोर्ट को डिबार किया जा सकता है ठीक है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रमेसी प्रोविजन्स की अगर हम बात करें तो इसको जो है यू एन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनविरोनमेंट जो है जब उसके बाद इसको लाया गया है ठीक है ना तो इसके अंदर कुछ एसेंस हमें यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट का मिलता है तो नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड बायोडाइवर्सिटी एक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों ठीक बायोडाइवर्सिटी जो एक्ट है जब भी आप इसकी बात आए तो यू शुड बी नोविंग के बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर जो है तीन लेवल्स पे जो है कमेटी या कंस्टिट्यूट होती हैं खैर है की कली एक सेंट्रल लेवल पे देन स्टेट लेवल पे देन नीचे लोकल लेवल पे ठीक है ना जो सेंट्रल लेवल पे कंस्टिट्यूट होती है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स लोकल बायो मैनेजमेंट कमेटीज बायो मैनेजमेंट कमेटीज ये तीन तरह की जो अथॉरिटीज़ हैं ये प्रोवाइड इसके लिए प्रोविजन प्रोवाइड करता है ये एक्ट के ये कंस्टिट्यूट की जाए तीनों लेवल पे हायर के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपके माइंड में जैसे स्ट्राइक होनी चाहिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट के ये वाला जो एक्ट है ये बायो प्रोस्पेक्टिंग के साथ डील करता है डील्स विद बायो प्रोस्पेक्टिंग एक चीज़ हमारे पास होती है बायो पायरेसी बायोपायरेसी का मतलब है सपोज हम करते हैं जहाँ पे एक कम्युनिटी रहती है ट्राइबल कम्युनिटी एंड दे लिव के जब कभी कट लगता है फॉर एग्जांपल जब कभी इंजरी होती है ठीक तो इसको किस तरह से ट्रीट करना होता है सपोज यहाँ पे ये क्या करते हैं एक पेस्ट बनाते हैं जिसमें इस प्लांट के लीव्ज लाते हैं इस प्लांट के लीव जलाते हैं इस प्लांट के लीव्ज लाते हैं, लीव हैं इन तीनों को मिक्स करके एक पेस्ट बनाते हैं ठीक ये पेस्ट बनाते हैं जब इस इंजरी पे अप्लाई करते हैं तो ये इंजरी ठीक हो जाती है राइट right. अब सपोज करते हैं जहाँ पे कोई पर्सन रह रहा है या जहाँ पे कोई कंपनी है जहाँ पे कोई कम्युनिटी है वो क्या कर दिया वो चोरी से जाती है एंड इनका जो फॉर्मूला है जो पेस्ट बनाने का जिससे इंजरी ठीक होती है इसको चुरा लेती है एंड दिन आगे मार्केट में इसी को जो है इसी फार्मूला को ये इस पर काम करके और मार्केट में यही जो वाली जो पेस्ट बना रहे हैं मेडिसिन यही आगे बना के जो है बेच रही है तो विदाउट इनकी परमिशन के बगैर और इनकी नॉलेज के बगैर इस कम्युनिटी की नॉलेज के बगैर तो इसको हम कहेंगे बायोपायरेसी ठीक है अब बायो प्रोस्पेक्टिंग का क्या मतलब होता है सपोज करते हैं यह कम्युनिटी ये, ये फार्मूला बनाती है इस इंजरी को ठीक करने के लिए अब यह जो फार्मूला है यही कम्युनिटी अगर अप्रोच करे इनके पास कि यह जो आपका फार्मूला है आप इसका हमें राइट दे दीजिए बनाने का या आप हमारे साथ मिल बनाइए ताकि हम जो है बाकी मार्केट तक इस फार्मूला को लेकर जाएं एंड बाकी जो इंजरीज होती हैं उनको भी ठीक किया जाए अगर ऐसा होता है इन इस कम्युनिटी की परमिशन ली जाती है और इसको जो है शामिल किया जाता है तो इसको हम कहेंगे बायोप्रॉस्पेक्टिंग तो ये जो एक्ट है हमारा प्रोस्पेक्टिंग के साथ डील करता है इसके अंदर जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है नोडल एजेंसी बनाई गई है फॉर रिसर्च परमिट्स ऑन ट्रेडिशनल मेडिसन नॉलेज ट्रेडिशनल मेडिसन नॉलेज जो है उसके लिए जो परमिशन है उसको देने के लिए नोडल एजेंसी बनाई गई है हायरार्की में हमने बात कर दी नेशनल बायोडाइवर्सिटी फिर नीचे स्टेट लेवल पे फिर लोकल लेवल पे तो इसके अंदर बेनिफिट शेयरिंग क्लास भी है अगर कंपनी का टर्न ओवर तीन करोड़ से ऊपर होता है देन इसका जीरो पॉइंट फाइव परसेंट जो है वो टैक्सेस के बाद जो है शेयर करना होगा जो कम्युनिटी के साथ तो जो है इंडिजिनस पीपल की जो है इनवॉल्वमेंट भी इसके अंदर की जाती है थ्रू प्रिपरेशन ऑफ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तो इनदर वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो है इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर बनाया जाता है बेनिफिट शेयरिंग जो है वो मोनिट्री भी हो सकता है या नॉन मोनिट्री टर्म्स में भी हो सकता है इस कम्युनिटी के साथ नेक्स्ट एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट अनदर एक्ट है हमारे पास फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2006 में लाया गया ठीक है ना पहले जो है ब्रिटिश हुकूमत ने लगाया लाया था 1927 सेवन में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में जो है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है 2006 में लाया गया ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस राइट के अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनके राइट को रिकोग्नाइज किया गया है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट थिंग जो आपके माइंड में आनी चाहिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर ट्राइबल जो है उनके जो राइट्स हैं उनको रिकोगनाइज किया गया है अब कोई भी जो फ्रेश डिवेलर्स हैं अगर उनकी तीन जनरेशन्स 2005 से पहले किसी एरिया में रहती थी तब उस कम्युनिटी को उस फॉरेस्ट का जो है राइट right दिया जाएगा ठीक है तीन जनरेशन्स वेरी इंपॉर्टेंट तीन अगर 2005 से किसी कम्युनिटी की रहती थी वहाँ पे किसी पर्सन की तो उनको उस एरिया का राइट दिया जाएगा जो मैक्सिमम लिमिट है लैंड की रखी हुई वो फोर हेक्टर मैक्सिमम फोर हेक्टर तक लैंड जो है वो दी जाएगी आ, आ, इनकी ठीक है ना राइट्स आल्सो रिकॉग्नाइज इन नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज अगर नेशनल पार्क और सेंचुरीज के अंदर भी या रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर भी जो है अगर लैंड आती है तो उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा दैट मीन्स नेशनल पार्क और सेंचुरीज को भी एक्सक्लूड यहां पे नहीं किया जाएगा डाइवर्शन ऑफ लैंड बाई गवर्नमेंट फॉर स्कूल्स हॉस्पिटल्स वाटर सप्लाई तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि स्कूल्स के लिए हॉस्पिटल या वाटर सप्लाईज के लिए इस लैंड को यूज कर सकती है राइट्स जो होंगे इस एक्ट के अंदर वो हेरिटेबल है ना कि इलिनेबल या ट्रांसफरेबल नहीं है बल्कि हेरिटेबल हैं अगर आपकी जो पहली जनरेशन से किसी एरिया में रहती है तो आपको उस जो लैंड है उसका राइट right दिया जाएगा ठीक है ना तो जो रजिस्टर होगा ये वो बोथ स्पाउसेस के नाम पे रजिस्टर होगा या हेड ऑफ फैमिली के नाम पे होगा अगर जो है डायरेक्ट हायर नहीं है तो ग्राम सभा का यहां पे बहुत इंपॉर्टेंस बनता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर ऑलवेज रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राम सभा का जहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, है ग्राम सभा जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इनिशिएटिंग प्रोसेस ऑफ राइट्स जो राइट्स का प्रोसेस है उसको इनिशिएट करने के लिए ग्राम सभा वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है ना कौन राइट्स का प्रोसेस इनिशिएट करता है ग्राम सभा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है ऑलरेडी इसके इस इसी क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट को पहले भी पूछ चुका है कि तहसीलदार करता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर करता है ठीक है ना यूपीएससी पूछ चुका है तो ग्राम सभा जो है इनिशिएट करती है राइट का प्रोसेस फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर टाइप्स ऑफ जो राइट इसके अंदर रिकॉग्नाइज हैं टाइटल राइट्स ठीक है ना रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स टाइटल राइट्स जो है इसके अंदर जो है इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट ऑनरशिप ठीक टू लैंड बींग फ्रेम्ड मैक्सिमम फोर हैक्टर फोर हैक्टे हेक्टर्स तक 2005 तक यूज राइट्स कम्युनिटी राइट्स जो है और इसका है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रिगार्डिंग राइट ग्रेजिंग का राइट right और पास्टोरोलिस्ट रूट्स का जो है राइट right इसके अंदर दिए जाते हैं रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स जो है रिहेबिलिटेशन फॉर एविक्शन अगर किसी एरिया में फोर्ट एविक्शन कब होती है फॉर एग्जांपल इस एरिया में ट्राइबल्स रहते हैं जहां पे आप गवर्नमेंट को डेम बनानी है तो जहां पे जो है ट्राइब्स को आ, किसी दूसरी जगह पे जो है मूव किया जाता है तब जो है जो इनके डेवलपमेंटल और रिलीफ जो है रिहेबिलिटेशन फोर्स्ट तरीके से जब होगी तो इनकी रिहैबिलिटेशन करने गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी है ठीक फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स जो है टू प्रोटेक्ट कंजर्व मैनेज फॉरेस्ट रिसोर्स दस रिस्टोर ग्राम सभा कंट्रोल आवर फॉरेस्ट गवर्नेंस जो ग्राम सभा जो है जो इस एरिया की होगी वो जो आपने फॉरेस्ट के उन उनका कंट्रोल रहता है उनको प्रोटेक्ट करने पे इंपॉर्टेंट थिंग जो ग्राम सभा है यह मैनेजमेंट प्लान जो है बनाती है अपने एरिया का जिस एरिया में ये रह रहे होते तो इसके अंदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है इसका राइट right जो है ऑलरेडी इनको दिया गया है ट्राइबल कम्युनिटीज को इनका राइट right भी मिलता है तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है हमारा नॉन टेम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ओरिजिन जिस तरह बम्बू स्टॉम्प्स केन्स चूसर, कोकून हनी वैक्सेस, टेंडू मेडिसिनल प्लांट्स रूट्स ट्यूबर करंज, महुआ सीड्स टैमरेट ये वाले जो हैं इनको एम एफ पी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है डिफाइन किया गया है इन प्रोडक्ट्स को तो इनको जो है ये प्रोक्योर कर सकते हैं ट्राइबल्स और इनको जो है सेल कर सकते हैं मार्केट के। ठीक तो लास्ट टाइम ऑलरेडी इस पर भी क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन कौन सा जो है फॉरेस्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं है तो उसमें एक बंबू पूछा था क्या कहा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है कि नहीं है ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसको एक बार रीड करके रखें समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हनी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वैक्सीज इंपॉर्टेंट है टेन जुलिव इंपॉर्टेंट है ठीक है एक नज़र दे के रखेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस किस किस को डिफाइन किया गया है तो एलिजिबिलिटी जो है दोस्ट हु प्राइमरली रिजाइड इन फॉरेस्ट एंड हु डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर लाइवलीहुड इधर तो दे आर एलिजिबल फॉर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट तो जो रिकोगनाइज करने का प्रोसेस है राइट्स का वो पहले ही मैंने बताया कि ग्राम सभा या विलेज असेंबली जो है वो एक रेजोल्यूशन पास करती है देन इस रिजोल्यूशन को एक स्क्रीनिंग कमेटी जो है जो तालुका लेवल पे तालुका लेवल मतलब ब्लॉक लेवल पे या तहसील लेवल पे एज इन ठीक है ना तहसील लेवल पे और अप्रूव किया जाता है स्क्रीनिंग कमेटी अप्रूव करती है देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप्रूव किया जाता है इस तरह से जो है राइट्स को रिकोगनाइज किया जाता है स्क्रीनिंग कमेटी जो होती है इसके अंदर छे मेंबर्स होते हैं तीन इसके अंदर ऑफिशियल्स होते हैं एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेवेन्यू ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट्स का और जो तीन इसके अंदर इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं लोकल लोकल बॉडीज से ठीक है ना तो ये जो है आल्सो अपील्स अगर किसी मेंबर की होगी तो उसको भी स्क्रीनिंग कमेटी सुनती है रीसेटलमेंट का जो प्रोसेस है ठीक रीसेटलमेंट का मतलब है फॉर एग्जाम्पल इस एरिया में कुछ रहते थे नाउ गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग समथिंग हीयर एंड ट्राइबल्स आर बाउंड टू रिहेबिलिटेट यहाँ पे ट्राइबल्स को जो है किसी दूसरे एरिया में मूव किया जाता है एट दैट टाइम जो है फर्स्ट स्टेप जो होगा गवर्नमेंट को पहले साइंटिफिक रीजंस शो करने हैं रीलोकेशन के कि क्यों जरूरी है साइंटिफिक बेसिस में जहां से इनको मूव करना ठीक है ना क्यों इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है ठीक सेकंड स्टेप जो होता है लोकल कम्युनिटी जो है जिनको जहां से मूव uh, किया जाएगा उनकी जो कंसेंट है लेनी बहुत जरूरी है थर्ड जो स्टेप है ठीक है ना जो डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी है जिसको जहाँ से मूव किया जाएगा उनको सिर्फ कंपनसेशन ही नहीं दी जाएगी बल्कि उनकी जो प्रॉपर लाइवलीहुड है दूसरी जगह पे उसको मेंटेन किया जाएगा नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट एक्ट है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ठीक है ना सेंट्रल पोलूशन कंट्रोल बोर्ड जो है सर्टिफाई करता है मैन्युफैक्चरर्स आर सेलर्स ऑफ कंपोस्टेबल प्लास्टिक कैरी बैग प्लस गाइडलाइंस डिस्पोजल ऑफ थर्मोसेट प्लास्टिक जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है सी पी सी बी एंड जो गाइडलाइंस वगैरह है यही इशू करते हैं इसके रिगार्डिंग जो लोकल बॉडीज होती है उनको रिस्पांसिबिलिटी होती है कि इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग करना प्रोडक्ट्स कलेक्ट करने जो वेस्ट होता है वेस्ट को कलेक्ट करना प्लास्टिक वेट को स्टोर करना ट्रांसपोर्ट करना प्रोसेस करना एंड डिस्पोज करना ये रिस्पांसिबिलिटी है लोकल बॉडीज़ की रोबस्कल बॉडीज को भी रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है तो इसका जो अंतर नेक्स्ट प्रोविजन है वो है नॉन रिसाइकलेबल जो मल्टीलेयर्ड प्लास्टिक है उसको जो है हमेशा के लिए खत्म कर देना ठीक है ना नॉन जो वन टाइम यूज प्लास्टिक है उसको ख़त्म करना फेज आउट करना इसका जो है इंपॉर्टेंट प्रोविजन है रूरल एरियाज जो हैं उनको भी इसके अंडर लाया गया है इस एक्ट के अंडर और पहली बार जो है फॉर फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेस्ट जनरेटर रिकॉग्नाइज किया गया है जो वेस्ट जनरेटर हैं वो वेस्ट को जो है फिर वापस प्रोसेस भी करके उसको ख़त्म भी करेंगे तो उनका राइट right जो है फर्स्ट टाइम ये जो है रिकॉग्नाइज की गई है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेस्ट जनरेटर्स की एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड ईपीआर जो है अर्लियर एट डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन ऑफ लोकल बॉडीज ठीक है लोकल बॉडीज की डिस्क्रिप्शन पे है पहले नेक्स्ट हमारा है कोस्टल रेगुलेशन जून कोस्टल रेगुलेशन जोन्स पहले 1991 में एन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फ़ॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने डिफाइन किए थे कंटेन्ड इंटरटाइडल लैंड पार्ट ऑफ कोस्टल एरिया बट नॉट ओशन पार्ट सपोज करते हैं जहां पे ये ओशन एरिया है एंड जहां पे जो है लैंड एरिया है ये लैंड एरिया है जो कोस्टल रेगुलेशन जोन्स हैं बेसिकली ये इन एरियाज़ के बारे में बात करते हैं इस ये जो ओशन के बाहर जो इसके करीब में एरिया पड़ता है इनके बारे में इसके अंदर बात होती है ठीक है ना जो जहाँ पे सी आर जेड वन है सी आर जेड टू है सी आर जेड थ्री है ये इन एरियाज़ के बारे में बात करता है जहाँ से इस एरिया तक जो हमारा सी आर जेड फोर है इसको बाद में ऐड किया गया है सी आर जेड फोर हमारा इस एरिया के बारे में जो वाटर के अंदर एरिया आता है इसके बारे में थोड़ा बात करता है तो सीआर सेड के अंदर यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना जेड जो है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया सी आर सेकेंड के अंदर बिल्टअप एरिया सी आर थर्ड के अंदर जो है रूरल एरिया एंड सी आर फोर्थ के अंदर है वाटर एरिया जहां पे इसके मैंने जो है लिस्ट कर दिए हैं इंपॉर्टेंट क्लास जो सीआर वन है इसके अंदर जो है दो पार्ट्स हैं फर्दर ए एंड बी ए के अंदर है जियो मार्फोलॉजिकल फीचर्स आते हैं दैट प्ले प्राइमरली रोल इन मेंटेनिंग इंटीग्रिटी ऑफ कोस्ट इसके अंदर जिस तरह मैंग्रोव कोरल सेंड्यून्स ठीक है ना या प्रोटेक्टेड एरियाज जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं साल्ट मार्शेस हैं टर्टल नेस्टिंग से ठीक है ना इस तरह जो इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स वगैरह हैं वो सी आर जैड वन के अंदर आती हैं इसके अंदर जो है ये वाली एक्टिविटीज सिर्फ रिकॉग्नाइज हैं बाकी और एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के काम हो सकते हैं ट्रांसमिशन लाइंस जहां पे ले कर सकते हैं वेदर मॉनिटरिंग रडार्स इन एरियाज में लगा सकते हैं ट्रांस पोटेशन हार्बर सी लेंगस एंड रोड्स जहाँ पे हो सकती हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है जहाँ पे लगाए जा सकते हैं बाकी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं ठीक है ना तो इसके अंदर दूसरा जो पार्ट है हाई टाइड लाइन एंड लो टाइड लाइन के इंटर टाइडल जोन के अंदर आप जो है कंस्ट्रक्शन फॉर यूटिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर इनहेबिटेंट्स के लिए जो है कर सकते हैं सॉल्ट हार्वेस्टिंग हो सकती है डिसलिनाइजेशन ऑफ प्लांट्स हो सकती है स्टोरेज ऑफ नॉन हजार्डस कार्गो ट्रांसपोर्ट हार्बो सीलिंग्स ये चीजें हो सकती है बाकी चीज़ें नहीं हो पाएंगी ठीक है ना सी आर सेट सेकंड के अंदर एरियाज डेवलप्ड अप टू आर क्लोज टू शोर लाइन्स एंड फॉलिंग विद इन म्यूनिसपल लिमिट्स जो एरिया म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर पड़ते हैं इनके अंदर आप बिल्डिंग्स बना सकते हैं डीसेलनाइज डिसेलिनेशन प्लांट्स स्टोरेज ऑफ नॉन हजोडस कार्गो जो है आप इन एरियाज में प्रोसेस कर सकते हैं ला सकते हैं सी आर जड थर्ड जो है एरिया रिलेटिवली अनडिस्टर्बड नॉट इन सी आर जड फर्स्ट एंड सेकेंड रूरल प्लस अर्बन एरियाज दैट आर नॉट सब्स्टेंशली डिवलप्ड ठीक है ना रिलेटिवली अनडेवलप्ड एरिया के बारे में सीआर थर्ड बात करता है ठीक है नो कंस्ट्रक्शन ठीक इसके अंदर नो डेवलपमेंट जोन जो है डिक्लेयर किया जाता है कि इसके अंदर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। परमिटेड एक्टिविटीज इसके अंदर क्या रहती हैं? एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर गार्डन फॉरेस्ट्री ठीक है ना डिपार्टमेंट ऑफ अटाम एनर्जी माइनिंग रेयर सॉल्ट मैनुफैक्चरिंग पावर जनरेशन ठीक जो फोर्थ है हमारा ये एक्वेटे एरिया है ठीक है ना आप टू टेरिटोरियल लिमिट्स तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं 2011 के अंदर इसके अंदर चेंजेस लाई गई हैं। डेफिनेशन ऑफ नो डेवलपमेंट जोन की डेफिनेशन जो है 200 मीटर से जो है 100 मीटर तक की गई है ठीक इंट्रोड्यूस्ड हजार लाइन डिमार्केटेड बाई सर्वे ऑफ इंडिया ठीक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सी आपका फोर्थ जो है वाटर के साथ एकटिक एरिया के साथ डील करता है एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो है हमारी सी आर जेड वन है इसके अंदर मैक्सिमम जो एक्टिविटीज हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं ठीक है ना सी आर जेड जो सेकंड है इसके अंदर भी जनरली जो एक्टिविटीज हैं रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं जनरली आपको सी आर जेड वन एंड सी आर जेड जो फोर है इसके बारे में पता होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट है हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स टू थाउजेंड सिक्सटीन पहले हमने जो किया वो प्लास्टिक था ये सॉलिड है और थर्ड हमारा है ई वेस्ट ठीक है ना नॉट टू गेट कंफ्यूज ये तीन अलग अलग है प्लास्टिक अलग है वेस्ट अलग है ठीक है ना सॉलिड वेस्ट अलग है ई वेस्ट अलग है ओके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 रूल्स एप्लीकेबल बियॉन्ड म्यूनिसपल एरियाज एंड एक्सटेंडेड टू अर्बन एग्लूमेशन सेंसिस टाउन नोटिफाइड इंडस्ट्रियल टाउन एरियाज ऑफ इंडियन रेलवे एयरपोर्ट एयरबेस पोर्ट हार्बर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स एस इजेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पिलग्रम प्लेसेस ठीक किन किन एरियाज में जो है ये इंप्लीमेंट होता है ठीक वेस्ट टू वेल्थ दस रिसोर्स एग्रीगेशन जो हमारा वेस्ट है उसको एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाए इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इसका एस इंडस्ट्रियल वेस्ट इंडस्ट्रियल पार्कस फाइव परसेंट ऑफ टोटल एरिया फॉर रिसाइकलिंग फैसल्टी फाइव परसेंट जो टोटल एरिया है इनको रखना है किस किस को एस को इंडस्ट्रियल इस्टेट्स को इंडस्ट्रियल पार्क को कंपलसरी है फाइव परसेंट इनका जो एरिया है वो आप रखेंगे रिसाइकलिंग फैसिलिटी के लिए ड्यूटीज ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज क्या है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी जो है ये फ्रेम करता है मिनिस्ट्री ऑफ सी एंड एफ मार्केट असिस्टेंस जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है फ्लेक्सिबिलिटी इन फर्टिलाइजर्स कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ पावर फिक्स चार्जेस फॉर पावर ठीक है ना मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन फॉर वेस्ट वेस्ट टू वेल्थ ड्यूटीज ऑफ वेस्ट जनरेटर जो है वेस्ट सीग्रीगेशन इवेंट ऑर्गेनाइजर ऑल रेजिडेंट वेलफेयर क्रिएटेड कम्यूनिटीज ये इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट जनरेटर्स की क्या डिविटीज की ठीक वेस्ट को सिग्रीगेट करना इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की जो है यह वाली ड्यूटीज यानी कि ऑर्गेनिक डीके हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 जो है हमारा फर्स्ट टाइम डिस्टिंग्विश कर रहा है हजार्डस वेस्ट एंड अदर वेस्ट को ठीक है आइटम्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट इंपोर्ट करने से क्या-क्या आइटम्स जो है प्रोहिबिट किए हैं वेस्ट एडिबल ऑयल क्रिटिकल केयर एंड मेडिक इक्विपमेंट टायर्स फॉर डायरेक्ट रीयूज यूज वेस्ट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली स्क्रैप केमिकल वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट एनुअल रिपोर्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सबमिट करता है रिकॉर्ड ऑफ वेस्ट टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मेटल स्क्रैप पेपर वेस्ट अदर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एग्जामड फ्रॉम इंपोर्ट परमिशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अमेंडमेंट इसको दो हजार सोलह में क्या की गई है प्रोहिबिशन ऑन इम्पोर्ट ऑफ सोलिड प्लास्टिक वेस्ट इवन इन एस इज एड बाईस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया कैन बी कॉल बैक इफ फाउंड डिफेक्टिव विद इन वन ईयर विद इन वन ईयर ओके इंडस्ट्रीज विच डू नॉट रिक्वायर कंजेंट अंडर वाटर एक्ट वाटर एक्ट एयर एक्ट आर एग्जामड फ्रॉम परमिशन अंडर हजार वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ओके तो जो इंडस्ट्रीज है जिनको कंजेंट की जरूरत नहीं है ठीक है एग्जाम एग्जम्पन टू सिलेक वेस्ट सिलेक वेस्ट जो है उसको एग्जम्प्ट किया गया है इसके अंडर नाव वी हैव कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन रूल्स टू थाउजेंड सिक्सटीन ठीक है लार्ज जनरेटर्स जो है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन रूल्स क्या होते हैं जिस तरह हमारे ट्विन टावर्स दिल्ली के अंदर जो है नोएडा के अंदर घेराए गए तो इसकी वजह से बहुत सा वेस्ट जो है पड़ा रहता है ठीक है ना उसी के रिगार्डिंग है ये वाला एक्ट तो सबमिट एंड गेट अप्रूवल प्लान फ्रॉम लोकल अथॉरिटी सेग्रीगेट वेस्ट इन फोर स्ट्रीम्स इन्वेरमेंट मैनेजमेंट प्लान स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट प्रक्योर एंड यूटिलाइज टेन टू ट्वेंटी परसेंट मेटीरियल फ्राम कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ठीक है टेन टू ट्वेंटी परसेंट जो मेटीरियल्स है ये जो डिमोलशन वेस्ट है इसको यूज करेगी कौन स्टेट और लोकल गवर्नमेंट ठीक तो यहां पे जो है किस किस की इन्वॉलमेंट होती है मिनिस्ट्री की अर्बन डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है लोकल बॉडीज को फैसिलिटेट करती हैं ताकि सी एंड डी जो है इनको 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 कंप्लाइंट किया जाए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो एम ओ ई एफ सी सी है यह इंप्लीमेंटेशन को रिव्यू करती है कि ये जो रूल्स हैं, ये इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे नेक्स्ट है।, है हमारा ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ये 2016 के हैं okay, इसके अंदर जो है सी एफ एल एंड अदर मर्क्री कंटेनिंग लैंप जो है इसके अंदर लाए गए ठीक है एडिशनल एंड चैनल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी ठीक है ना ई वेस्ट एक्सचेंज ई रिटेलर डिपॉजिट रिफंड स्कीम, पेन इंडिया ई एफ आर अथोराइजेशन बाई सी पी सी बी टारगेट फॉर ई पी एफ आर ई पी एफ आर टेन परसेंट फॉर टू थाउजेंड सेवरी ईयर अप टू ट्वेंटी थ्री डिपॉजिट रिटर्न स्कीम एलॉन्ग विद इंटरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड शोर्स सेफ्टी हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स इन रिसाइकलिंग अर्बन लोकल बॉडीज रिस्पांसिबिलिटी टू कोलेक्ट एंड चेनलाइज ऑफन प्रोडक्ट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अर्बन लोकल बॉडीज की ओके स्टेट गवर्नमेंट एनुअल रिपोर्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज स्टेट गवर्नमेंट जो है ई वेस्ट की एनुअल रिपोर्ट किसको डालता है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री को नेक्स्ट वी हैव वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 रूल्स कहाँ पे अप्लाई होंगे वेटलैंड कैटेगराइज्ड एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन जो रामसर कन्वेंशन है 1971 के अंडर इसको जो है ईरान के एक सिटी रामसर के अंदर एक कन्वेंशन वेटलैंड की रिगार्डिंग साइन की गई है ठीक है ना रामसर कन्वेंशन के नाम से जिसको जानते हैं हम तो उसके अंदर जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो के उन पे ये अप्लाई होता है कौन ये जो वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स हैं 2017 वेटलैंड्स एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन वेटलैंड कौन कौन डिफाइन कर uh, कौन कौन नोटिफाई कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी ठीक है ना ये नोटिफाई कर रहे है. ये रूल्स जो हैं इन पे नहीं अप्लाई होते ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस एक्ट का ठीक रूल्स डू नॉट अप्लाई रिवर चैनल्स जो है इंडिया के अंदर इन पे जो वेट लैंड रूल्स हैं ये अप्लाई नहीं होते पैडी फील्ड्स जो हैं इन पे वेट लैंड रूल्स अप्लाई नहीं होते ह्यूमन मेड बॉडीज़ जो हैं फॉर ड्रिंकिंग वाटर एक्वाकल्चर साल्ट प्रोडक्शन रिक्रिएशन एग्रीकल्चर परपजस इन पे नहीं हो और वो वेट लैंडस जो पड़ती हैं किसके अंडर अदर प्रोटेक्टेड एरियाज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंडियन फॉरेस्ट राइट फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंडर जो पढ़ते हैं वेल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर जो एरिया पढ़ते हैं फॉरेस्ट एक्ट नाइनटीन स्टेट फॉरेस्ट एक्ट एंड कोस्टल रेगुलेशन जून नोटिफिकेशन टू के अंडर जो एरियाज पढ़ते हैं उन पे भी ये एक्ट नहीं अप्लाई होता दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है ना दैट्स इट फॉर नाउ थैंक यू जस्ट लाइक्स शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल इस सबक और जहाँ पर आप हमें एक्सेस कर सकते हैं आपकी कोई भी क्वारी या क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली हमें ई मेल कर सकते हैं या हमारे आ, हमें जो है फ़ोन कर सकते हैं दैट्स इट फर्न ऑफ थैंक यू ओके